हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो आईटीबीपी में वैकेंसी आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको जो इसमें आवेदन करना होगा ऑनलाइन मोड से आपको इसमें आवेदन करना होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आकर ये सबमिट चेक कर सकते हैं। सही है मन्ने जो पहरा देसी सूट तेरी गिट पीट इंग्लिश ने सब फैल कर रखा से रे छोरी तन्ने तो रुमा ठारा रखा से। फ्रेंड्स, जो कल के बेस्ट कमेंट है वो रे आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इसका रिक्रूटमेंट और उनका नेम है वो आईटीबीपी की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रेंड, जो आपको इसमें टोटल पोस्ट मिलेगी 496 पोस्ट मिलेगी टोटल। जो पोस्ट नेम है तो आपको तीन प्रकार की पोस्ट दी गई है। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट के लिए, और मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर इसमें वैकेंसी आई हुई है। जो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है किस किस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। यहाँ पर जो ये आपको पोस्ट है यहाँ पर ये BSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल में भी आपको यहाँ पर इसमें से ही छटने के बाद आपको यहाँ पर भी भेजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अप्लाइड जो मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको इसमें अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई भी कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। जॉब लोकेशन जो आप करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसका जो पे स्केल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, 56,100 से लेकर 1,70,500 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल, यानी कि आपकी सैलरी भी इसमें रहेगी। जो इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 400 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए इसमें कोई फीस नहीं रहेगा, इन कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो उसमें आपको 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है वो 2 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 1 मई 2019 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पर अगर आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्लस मेडिकल MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है या फिर समकक्ष होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए, डिप्टी कमांडेंट के लिए भी यही मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पोस्टों के लिए, सभी पोस्टों के लिए यानी कि बताया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाना है इंपॉर्टेंट लिंक्स। आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ से सबसे पहले अपना नेम फिल करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, फिर कन्फर्म ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी बना लेना है, क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी क्वेश्चन से आप फाइंड कर पाएंगे। इतनी डिटेल फिल करने के बाद ये वाला कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट जैसे करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। होने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से हमारी वेबसाइट पर आना होगा। आने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है, इसी के सामने क्लिक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, यानी कि यूजर ईमेल आईडी, जो आप यहाँ पर ईमेल आईडी वहाँ पर फिल करेंगे वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, और जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो कैप्चर कोड आ रहा है इस वाले को यहाँ पर फिल करना है। करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार आपको चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फेक नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर देख सकते हैं 2/4/2019 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 1/5/2019 रहेगी, रात के 12 बजे क्लोज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर से फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर चेक कर लेना। एज लिमिट की जो बात रहेगी यहाँ पर देख सकते हैं सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है। अगर फ्रेंड्स आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो यार प्लीज कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।